नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि क्या BMI बॉडी मास इंडेक्स एक बहुत अच्छा तरीका है आपका ये जानने के लिए कि आपकी सेहत कितनी अच्छी है। इस पर हम कुछ नज़र ही देखेंगे इस वीडियो का। मतलब ये मत समझना कि मैं कह रहा हूँ BMI बहुत ही बेकार तरीका है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अलावा भी हम कोई और तरीके देख सकते हैं। एक तरीके के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, एक ही तरीका मुझे भी पता है तो वो तरीका ही देखेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि 10 तरीके और हैं, 10 तरीके हैं भी तो भी मेरे ख्याल से नहीं है, पर यहाँ पे एक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो BMI क्या है। BMI होता है आपके कितनी वजन है किलो में और आपकी कितनी हाइट है मीटर में। तो मैंने पहले बताया था किलो में जो वजन है उसको गुणा कर, उसको भाग कर दो अपनी हाइट के स्क्वायर से, ठीक है। तो ये बहुत मोटे लोगों के लिए जो है BMI ठीक है, बता देते भाई तुम बहुत मोटे हो, वजन कम कर लो तुम्हें बीमारियां हो जाएंगी या तुम्हारी बीमारियां ठीक नहीं होंगी और बढ़ जाएंगी। बहुत मोटे लोगों को ये बताने के लिए बहुत ठीक, ये ठीक है कि तुम बहुत मोटे हो, उनको ये बताने के लिए ठीक है। पर क्या है कि जो लोग बहुत मोटे नहीं है उनके लिए BMI उतना ज़्यादा कुछ खास बताता नहीं है। जैसे अगर मैं एक उदाहरण देके चलाऊँ समझाऊँगा, कारण क्या है कि अगर तुम मान लो तुम 80 किलो के हो तो उस 80 किलो में हो सकता है तुम्हारे शरीर में 25 किलो चर्बी हो और हो सकता है तुम्हारे शरीर में 8 किलो चर्बी हो। दोनों ही केस में तुम्हारी BMI उतनी की उतनी आएगी कि तुम्हारा वजन उतना का उतना ही है किलो में, क्योंकि फॉर्मूले में तो अपन यही डालते हैं कितना किलो वजन है और कितनी हाइट है वजन, और हाइट तुम्हारी अगर उतनी की उतनी है तुम्हारी BMI उतना ही आएगा, चाहे वो वजन तुम्हारा चर्बी से आ रहा हो या तुम्हारा वो मांसपेशियों से आ रहा हो। तो उदाहरण लेते हैं कि कैसे BMI बहुत, मतलब जो मोटे लोग नहीं है उनके लिए उतना सही नहीं बता रहा है। जैसे मतलब बता तो BMI सही रहा है पर और ज़्यादा सही हम समझ सकते हैं किससे, फैट परसेंटेज, बॉडी फैट परसेंटेज से। बॉडी फैट परसेंटेज क्या होती है मैंने पहले वीडियोज में बता रखा है। देखो मान लेते हैं कि आलू ये 77 किलो का, ठीक है, 77 kg, हाइट है उसकी 6 फुट, ठीक है, 6 फीट हाइट है उसकी, 6 फुट मतलब 72 इंच मतलब लगभग 1.82 मीटर, ठीक है। इस आदमी की BMI आएगी 77/1.82 का स्क्वायर, 23 के लगभग इसकी BMI आएगी। मैंने बताया था कि लगभग 19 से लेकर 23 की रेंज नॉर्मल BMI की रेंज है। तो मतलब ये आदमी नॉर्मल रेंज में एक तरीके से, ये मतलब इसके शरीर में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, मतलब चर्बी से संबंधित बीमारी नहीं होनी चाहिए। मान लेते हैं इस आदमी की बॉडी फैट परसेंटेज 10 है, अगर इसकी 10% बॉडी फैट है तो इसके शरीर में 7.7 किलो फैट है, तो इसका लीन मसल मास आ गया 69.3 kg। तो मैं अगर लीन मसल मास फैट परसेंटेज और फैट मास नहीं पता तो पुराने वीडियो में सर्च कर लो, मेरा नाम लिख के जो चीज़ समझ नहीं आ रही उसको यूट्यूब पे सर्च कर लो। दूसरा केस मान लेते हैं जिसमें इस आदमी का 22% बॉडी फैट है, ठीक है, तो इसके शरीर में चर्बी आ जाएगी करीब 17 किलो, 77 किलो का 22% और लीन मसल मास आ जाएगा लगभग 60 किलो। एक ही आदमी 77 किलो का, हाइट उसकी उतनी की उतनी है, 30 साल का हो चुका है मान ले आदमी, अब इसकी हाइट बढ़ नहीं रही है, BMI उसकी उतनी की उतनी है, पर अगर उसकी बॉडी फैट परसेंटेज 10 है तो उसकी शरीर में चर्बी लगभग 7.5 किलो, और यही उसकी बॉडी फैट परसेंटेज 22 है तो उसके शरीर में 17 किलो चर्बी है। 22% बॉडी फैट थोड़ा ज़्यादा की तरफ है, जैसे 20% से तुम्हारा बॉडी फैट ज़्यादा होने लग जाता है ना, तो थोड़ा ज़्यादा की तरफ है। आमतौर पे जो एक सेहतमंद बॉडी फैट माना जाता है वो 12-14% के आसपास माना जाता है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा चलता है, तो 22% थोड़ा ज़्यादा की तरफ है, और वो भी तब जब 23 BMI हमने माना है। कई देशों में 25 BMI को भी नॉर्मली माना जाता है, पहले तो 27-28-29 लगभग 27-28-29 तक भी नॉर्मल माना जाता था, फिर उन्होंने घटा के 25 किया। तो अगर 25 हम मान ले कि BMI नॉर्मल है, तो यह आदमी अगर 83 किलो का भी हो जाए, 6 किलो और चर्बी बढ़ जाए इसके अंदर और इसका फैट परसेंटेज 27% भी हो जाए तो भी ये इसका BMI नॉर्मल माना जाएगा। तो इस आदमी को लगेगा मेरा BMI नॉर्मल है, मेरे को तो कोई बीमारी होने का डर नहीं है, लेकिन 27% बॉडी फैट थोड़ा ज़्यादा की तरफ है, मतलब अच्छे खासे ज़्यादा की तरफ है। मतलब होते लोगों के 50% बॉडी फैट भी है, 60% भी होते होंगे, होते हैं, पर
27% भी ज्यादा नहीं है, 22% भी थोड़ा ज्यादा की तरफ ही है, 20% से ज्यादा होने लगता है तो थोड़ा ज्यादा की तरफ ही मान लेना चाहिए, मान सकते हैं। तो ये जो 22, ये जो मतलब इस तरीके से तो 83 किलो का हो गया, 27% बॉडी फैट पे भी नॉर्मल है BMI से देखो तो, पर हम बॉडी फैट परसेंटेज से हमें समझ आ जाता है ना इसके शरीर में चर्बी थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी कम करनी चाहिए। तो उस हिसाब से BMI से ज्यादा कारगर हो सकता है बॉडी फैट परसेंटेज अगर आप निकालो। अब कोई पूछ सकता है कि BMI अगर बॉडी फैट परसेंटेज BMI से ज्यादा अच्छा है तो हर जगह BMI की बात क्यों होती है, बॉडी फैट परसेंटेज की बात क्यों नहीं होती? क्योंकि BMI निकालना बहुत आसान है। सबसे पहली बात, एक आम आदमी जो कि खाने पीने कुछ ध्यान नहीं दे रहा, मोटा हुआ जा रहा है वो कहाँ ये सब बॉडी फैट परसेंटेज मैंने नापना सिखाया था पहले, उसमें अब वो चिमटा लेकर के हाथ में चमड़ी नापोगे और वो मशीन लेकर के हाथ में से वो बायो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस वाली मशीन लेकर के नापोगे, कहाँ वो आदमी खाने का ध्यान नहीं रख रहा, वो ये सब कहाँ करेगा? उसके लिए सबसे आसान है वो अपना वजन लिखे कागज और कलम से, वजन लिखे अपनी हाइट लिखे और निकाल ले मेरा BMI इतना अच्छा ज़्यादा है, अच्छा मेरे को वजन कम करना चाहिए। बॉडी फैट परसेंटेज निकालने से ज़्यादा आसान BMI निकालना है, तो शायद ये कारण हो कि आम आदमी के लिए BMI के बारे में ज़्यादा बात करी जाती है बॉडी फैट परसेंटेज के लिए। मगर अगर आप थोड़ी समझ रखते हो बॉडी फैट परसेंटेज कैसे निकालना है तो आप बॉडी फैट परसेंटेज काम लोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बहुत ज़्यादा मोटे लोग होते हैं उनको आमतौर पर आसानी से अपनी बॉडी फैट परसेंटेज की रीडिंग नहीं मिलती और उन्हें लेने की कोई खास कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। पहले उन्हें वजन कम करना चाहिए, थोड़ा ठीक ठाक वजन हो जाए फिर वो बॉडी फैट परसेंटेज के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो तो सभी अपने। नमस्कार।